दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त आजकल फिल्मों की दुनिया में काफी व्यस्त चल रहे हैं। फिल्म कमिटमेंट पर लगातार काम कर रहे हैं, जिम में पसीना भी बहा रहे हैं और खुद को फिट रखने की कोशिश में जुटे हैं। कुछ ही समय पहले संजय दत्त की फिल्म KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई थी। फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। दर्शकों के बीच संजय दत्त विलेन के रूप में छा गए। आने वाले समय में संजय दत्त की और भी फिल्में रिलीज होने की कगार पर हैं। फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। प्रोजेक्ट पर काम करने के साथ संजय दत्त कुछ समय निकालकर अपने बच्चे सहरान और इकरा से मिलने के लिए दुबई गए हुए हैं। 11 साल के जुड़वा बच्चे पिछले 2 साल से दुबई में रह रहे हैं। एक्टर लगातार दुबई के चक्कर लगा रहे हैं, जिससे वह अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। पिछले 2 साल से परिवार से दूर रहने को लेकर संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी पत्नी मान्यता के पास भी वहाँ कई चीजें करने के लिए हैं। मैं ज़्यादातर समय दुबई में उन्हीं के साथ बिताता हूँ। जब भी मुझे अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट से फुर्सत मिलती है तो मैं उनके पास चला जाता हूँ। अब समर ब्रेक आने वाला है तो मैं उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। मैं हर उस जगह ट्रेवल करने के लिए रेडी हूँ जहाँ वे हैं। 2020 से दुबई में है। पहले लॉकडाउन लगने से पहले मान्यता संग बच्चे दुबई रवाना हो गए थे। इंटरव्यू में संजय दत्त से पूछा गया था कि क्या उन्होंने यह दुबई का उनका स्टे प्लान किया था। इस पर संजय दत्त ने कहा, वे वहां कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वहां रहना अच्छा लग रहा है। उन्हें अपना स्कूल पसंद है और वहां करवाई जाने वाली एक्टिविटीज भी। मेरी पत्नी का बिजनेस वहां सेटल है, हम सभी यहां रहे हैं। फिल्म बिजनेस होने के बावजूद हम सभी ने परिवार की देखरेख की है। हम लोग सब इधर ही बड़े हुए हैं। वहां उन्हें भेजने की कोई प्लानिंग नहीं थी, बस यह हो गया। दुबई में मान्यता अपना खुद का बिजनेस कर रही है। उन्हें आइडिया आया और वह वहां चली गई, साथ में बच्चे भी गए हैं। संजय दत्त ने कहा कि मेरी बेटी वहां पियानो सीख रही है। वह एक बेहतरीन स्प्रिंटर है, वह जिमनास्टिक्स में भी बेहतरीन है। मेरा बेटा जूनियर प्रोफेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेलता है। उनकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। वे वहां खुश हैं और मैं उन्हें देखकर खुश होता हूं।